एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जिसमें लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ, ये काफी जबरदस्त रहने वाली है गाइस, क्योंकि ये टेक्निकल आई है अमेज़न प्राइवेट लिमिटेड के रिगार्डिंग। अमेज़न की बात करें टोटली इसमें मल्टीनेशनल प्रोसेस के लिए हायरिंग चलती रहती है फॉर चैट प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस। करंटली इसमें एसोसिएट्स के रिगार्डिंग काफी बल्क में हायरिंग ऑन हो गई है गाइस। गाइस अगर आप अमेज़न में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, इसके सारे राउंड्स वर्चुअल होने वाले हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस फॉर्म को आप प्रॉपर फिल कीजिए, तभी आपको जो है एचआर से फॉलो अप लेने का मौका मिलेगा, आपको डायरेक्टली इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। सारे राउंड्स इसके इंटरव्यू के राउंड्स वर्चुअली होने वाले, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वर्क फ्रॉम होम की टोटली अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। मैं टोटली इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ कैसे आपको प्रॉपर यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, जिससे कि आपका इंटरेक्शन जल्द से जल्द यहाँ पे एचआर के सामने हो जाए गाइस। सो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आप मुझे सारा क्राइटेरिया समझ में आने वाला गाइस। सो गाइस करंटली अमेज़न जिस शानदार प्रोसेस के हायरिंग कर रहा है, मैं आप मुझे पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ गाइस। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टोटली मैंने अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे, आपको डायरेक्ट होने वाला है कि गो AI एसोसिएट्स के रिगार्डिंग करंटली इसमें हायरिंग ऑन हो गई है, ऑपरेशन में करंटली इसमें बंदों की यहाँ पे नीड है गाइस। उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बेसिकली इसमें अगर आपने मीनिंग कोई भी स्ट्रीम से आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, चाहे BCom, BSc, BTech आपने कोई भी स्ट्रीम से आप कंप्लीट कर रखी है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं गाइस। बेसिकली जो जॉब रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि द एसोसिएट इन दिस रोल रिक्वायर्ड टू वॉच द वीडियो। बेसिकली जो कि उनके एडियो जो वीडियो जो है रिलीज हुए होंगे, बेसिकली वो आपको वॉच करना है। सबसे पहले आपकी एक ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में सबको आपको जो जानकारी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आपको डायरेक्टली जो है आपके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ट्रेनिंग भी इसमें पेड होने वाली है भाई गाइस, कोई इशू नहीं है। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट बेसिक जो क्वालिफिकेशन की नीड है, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशंस। बेसिकली आपको जो सिस्टम यहाँ पे जो है चलाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी जो भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, जो भी इनके सॉफ्टवेयर होंगे, वो आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड में ये सिखाया जाएगा। इसको ही सुनिए, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप इंटरव्यू पर ध्यान दीजिए, वेल प्रिपेयर होकर जाइए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। स्पीक राइट एंड रीड फ्लुएंट इन इंग्लिश, बेसिकली आपको लिखना बोलना पढ़ना तीनों ही तरीके से इंग्लिश में आपको जो है यहाँ पे स्किल्स कमांड यहाँ पे अच्छी चाहिए गाइस। और गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि प्रीफर क्वालिफिकेशन वर्क एट फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया इंक्लूडिंग वीकेंडेस एंड नाइट एंड हॉलीडेज। बेसिकली इस कंडीशन में आपको यहाँ पे ये एक्सेप्ट करना है, जो उनके टर्म एंड कंडीशन है वो आपको जो है टर्म वो आपको बेसिकली यस करने गाइस। गाइस अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाता है, तो मल्टीपल आपको बेनिफिट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और करियर ग्रोथ भी आपको एक शानदार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आप गूगल से यहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा गाइस। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करते हैं, उसके बाद बेसिकली आपको जो है अपनी ईमेल आईडी वहाँ पर रजिस्टर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक नया प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगा, उसमें बेसिकली आपको बेसिक डिटेल अपनी फ्रेच करनी है गाइस। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या हो गया, लास्ट नेम क्या हो गया, आपका जो है ईमेल आईडी क्या हो गया, कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, और एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा, सिटी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और एड्रेस पिन कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा, कंट्री रिलीजन एंड जो भी आपका स्टेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पैन इंडिया से कहीं से भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं गाइस। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सारा क्राइटेरिया आप क्लियर कीजिए। यहाँ पे बेसिक डिटेल आप भर के जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आपको एक नया पेज शो होगा, जिसमें भी ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको यस या नो में जो है वो आंसर करना पड़ेंगे गाइस। तो गाइस सबसे पहले आप उन क्राइटेरिया को पढ़िए, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप जो यस नो कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा इस फॉर्म को पूरा फिल कीजिए, लास्ट में ये आपको जो एक अपडेटेड आपका CV यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए, उसके बाद लास्ट में सारी डिटेल आपको जो फ्रेच करके वो बता देगा, उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन करके यस पे क्लिक करके उसके बाद आप सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं गाइस। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे अमेज़न में शानदार प्रोसेस आया, तो इसको आप अप्लाई करना ना भूले गाइस। और मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप अप्लाई कीजिए, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनका कोई भी रिवर्ट नहीं आने वाला गाइस। गाइस सिंपल एक क्राइटेरिया है, आप पूरा क्राइटेरिया को फिल कीजिए, उसके बाद ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन 48 आवर्स में गाइस, क्योंकि टाइम पीरियड होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस। डेफिनेटली अगर आपने प्रॉपर यहाँ पे SOP के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया होगा, सारा क्राइटेरिया आपने खुद बखुद पढ़ा होगा, अगर आप कोई आर्मी के एक्स एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। सारा क्राइटेरिया आप फिल कीजिए, उसके बाद डायरेक्टली आप सबमिट पे यहां पर क्लिक कर सकते हैं गाइस। गाइस मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई इशू है फॉर्म फिल करने को, इशू आ रहा है, तो मुझे कॉन्टेक्ट
थोड़ा फजफन देने की कोशिश करें, मैं आपकी जो पूरी हेल्प करने वाला हूँ। इस आईओ की गई वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे न्यू अपडेट्स आपके लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।